पंजाब का एक समय था जब पूरे इंडिया की जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में हमेशा वो टॉप 5 में रहता था। अपनी अमीरी और एग्रीकल्चर के लिए मशहूर पंजाब में ऐसा क्या हुआ जो पिछले कुछ सालों में पंजाब टॉप 5 तो छोड़ो टॉप 15 में भी नहीं है। अगर हम यूटी को छोड़ दे और सिर्फ स्टेट की बात करें तो 1993 में एक एवरेज पंजाबी की इनकम देश में तीसरे नंबर पर हाईएस्ट थी। मतलब अगर हम छोटे स्टेट गोवा और दिल्ली को छोड़ दें तो उस वक्त सबसे ज्यादा पैसा पंजाब के लोगों के पास हुआ करता था। साल 2010 के आते आते तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला पंजाब लगभग 9वें नंबर पर आ गया और देश के बाकी 8 स्टेट उससे काफी आगे निकल गए। ये बात सिर्फ इतने में नहीं रुकी बल्कि पंजाब की जीडीपी 2020-21 के आते आते टॉप 15 से भी बाहर हो गई। और तो और पंजाब की जीडीपी को तो इवन बिहार ने भी ओवरटेक कर लिया। अब अगर आप बिहार का साइज और पॉपुलेशन के लिहाज से ये सोच रहे हो कि बिहार एक बड़ा स्टेट है तो आपको बता दूं हरियाणा जो पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था और ऑलमोस्ट साइज और जियोग्राफी में सेम है, वो भी पंजाब से जीडीपी में काफी आगे है। 1960 के मिड में जब पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो वहाँ एग्रीकल्चर में काफी ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन 2014-15 के आते आते वहाँ एग्रीकल्चर का क्रैश होने लगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ 5% से घटकर मात्र 1.5% ही रह गई। चलो अब इन सबके पीछे की कहानी को समझते हैं। शायद कुछ लोगों को ये बात कड़वी लगे लेकिन हम सिर्फ फैक्ट्स पर बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। पंजाब की इकोनॉमी एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, फिर भी पंजाब में ना जाने कितना टन अनाज हर साल खराब होता है सिर्फ अनाज के अच्छे स्टोरेज न होने की वजह से। गवर्नमेंट ने किसानों को बिजली तो फ्री दे दी लेकिन खेती के बाद मिलने वाले अनाज को रखने के लिए स्टोरेज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पंजाब की खेती में इन्वेस्टमेंट तो ज्यादा होने लगी और प्रॉफिट कम होने लगा, जिससे यहां की एग्रीकल्चर इकोनॉमी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। दूसरा, पंजाब अब पहले जितना वेलकमिंग रहा ही नहीं इंडस्ट्रीज के लिए। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्रीज में करने के लिए चाहिए होंगे एम्प्लॉई और एक एवरेज पंजाबी किसी फैक्ट्री और कंपनी में काम करके उतना खुश नहीं है और बाहर के लोगों को यहाँ के लोकल पीपल्स वेलकम नहीं करते। यहाँ तक कि काफी बार पंजाब में खुलेआम बड़े बड़े नेता बाहर के लोगों के बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में कोई अपनी क्यों इंडस्ट्री पंजाब में लगाएगा और क्यों ही लोग पंजाब की इंडस्ट्रीज में वर्क करने जाएंगे। अभी रिसेंट डेज की बात करें तो दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे जो कि पंजाब में कनेक्टिविटी और इकोनॉमी ग्रोथ काफी अच्छी कर सकता है, लेकिन जब पंजाब में उसकी लैंड इक्वेशन की बारी आई तो लोकल लोगों ने काफी अपोज किया गवर्नमेंट का और काफी मुश्किलों के बाद सरकार या लैंड इक्वेशन का वर्क पूरा कर पाई, जिससे ये पूरा प्रोजेक्ट ही डिले हो गया। अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, एजुकेशन। अब ये तो सबको पता है पंजाब में काफी कम लोग हैं जो हायर एजुकेशन लेकर इंडिया में अच्छी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं। मैक्सिमम यूथ ऑफ पंजाब ट्राई करता है आईलेट्स के एग्जाम के लिए क्योंकि वो लोग इंडिया में रहना ही नहीं चाहते। प्राइमरी एजुकेशन के बाद ही यूथ इंडिया को छोड़कर कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं और साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई खास कोशिश नहीं की जाती कि पंजाब के यूथ को यहीं पर अच्छी एजुकेशन और जॉब प्रोवाइड की जाए। और बचे कुछ लोग जो पंजाब में रहकर ही अच्छी हायर स्टडी एजुकेशन करता है वो फिर बाद में पंजाब को छोड़कर यहाँ से मूव कर जाता है क्योंकि पंजाब में उस लेवल की अच्छी जॉब सी नहीं है जो पंजाब के लोग वहाँ रहकर जॉब करें। और जो कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं वो पंजाब को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों जैसे मुंबई और दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। एक समय था जब पंजाब काफी वेलकमिंग और सेफ हुआ करता था लेकिन अभी के हालात पंजाब के पूरे बदल चुके हैं। पंजाब के काफी यूथ लंबे समय से ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं जो पंजाब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब होने लगा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पंजाब को पूरा बर्बाद करना चाहते हैं और ये लोग यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब करके पंजाब की इमेज को नेशनल लेवल पर खराब कर रहे हैं। इस तरह के माहौल को बनाकर ये लोग इंडस्ट्रीज, एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड ट्रेन, इंफ्रा डेवलपमेंट हर तरफ से पंजाब के दरवाजों को बंद कर रहे हैं। दोस्तों, आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।